नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन नवभारती परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज फिर हम मैजिक मैथ की अगली कड़ी में हाजिर है लेकर के कुछ अलग ट्रिक्स। आज की इस कड़ी में हम पढ़ेंगे 100 के आसपास की कोई नंबर है, ठीक है। वैसे 3 डिजिट का हो जाता है, 100 के आसपास की अगर कोई डिजिट है हम उसका मल्टीप्लाई कैसे करें, और 100 सिंपल वे के अंदर 100 के आसपास की कोई भी नंबर हमें नजर आता है, ठीक है, तो उसका हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हमने कोई नंबर लिया 94 और दूसरा नंबर जो है वो है 97। दोनों के दोनों नंबर 100 के आसपास है और 100 से कम है। सबसे पहले हमें ये पता करना है ये नंबर कितने कम है। देखिए ये नंबर है 6, ये नंबर है 6 नंबर कम है, और ये नंबर जो है ये 3 नंबर कम है, ठीक है। हमें पता लग गया कि 100 के आसपास की हम जो बात कर रहे हैं ये 6 नंबर कम है और ये कितने कम है, 3 नंबर कम है। करना क्या है, इसमें से या तो इसको लेस करना है या इसमें से इसको लेस कर दो, एक ही नंबर आएगा। 97 में से 6 लेस करेंगे जब भी 91, और 94 में से 3 लेस करेंगे जब भी 91। तो हमने क्या लिख दिया, 91। क्लियर। ये जितने नंबर कम लिखे थे ना इनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 18 आ गया नंबर। सो सिंपल, कुछ नहीं किया। चलते हैं एक बार दोबारा फिर से बता दो, ओके। देखिए हमें 99 के आसपास का कोई सा भी नंबर लेना है। हमने लिया 92 मल्टीप्लाई बाय 98। क्लियर। कितने कम है, 8। ये कितने कम है, 2, ठीक है। ये 2 नंबर कम है 100 में, और ये कितने कम है, 8 कम है। तो बस माइनस करेंगे, इसको माइनस करो या इसको माइनस करो, एक ही नंबर आएगा। तो 98 में से 1 माइनस किया तो क्या आया, 90। 92 में से 2 लेस करूंगा तब भी 90 आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 2 16। केवल 2 सेकंड के अंदर, चुटकियों ही चुटकियों में, बस जब तक टीचर बोर्ड पे क्वेश्चन पुटअप करेगा तब तक आप आंसर कर सकते हैं। तो मुझे करके दिखाएं फटाफट। ये लो, 94 मल्टीप्लाई बाय 93। कुछ नहीं करना है, फटाफट जल्दी। ये देखो हमने कितने कम है, 6। ये कितने कम है, 7, ओके। ये लो माइनस किया या इसको माइनस किया, 87। 93 में से 6 लेस किए कितने बचे, 87। 6 7 जा 42। एक ही झटके के अंदर हमने फटाफट मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब ये तो कंडीशन ये थी जिसमें 100 के आसपास की मैंने बात की, लेकिन ये दोनों नंबर 100 से कम थे। अगर 100 से ज्यादा हो तो क्या करना है, देखो 100 से ज्यादा वाली ट्रिक एक बार लेके बात देखते हैं। हमने नंबर लिखा 104 मल्टीप्लाई बाई 106। 100 से कितने ज्यादा हैं? तो 100 से ज्यादा है ये 4 ज्यादा है और ये 6 नंबर ज्यादा है, ठीक है। 100 से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और वो कितने ज्यादा है, 6 ज्यादा। वहां पर हमने घटाए थे ना, यहां पर ऐड करना है। देखो 6 4 और 6 कितने हुए, 10। 110 इसको जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 110। उसमें कम थे तो घटाए थे, यहां पे ज्यादा है तो क्या कर दो, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर लो इनको आप। 6 4 जा 24। देखो चुटकियों ही चुटकियों में किस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन डन हो जाती है। चलो दूसरा करके देखते हैं, दूसरा देखते हैं करके एक बार, ठीक है। देखो ये लिया 107 मल्टीप्लाई बाय 102।
ओके देखो कितने ज्यादा हैं, सात प्लस के साथ, ये कितने ज्यादा है, ये दो ज्यादा है, राइट ऐड करेंगे 100 प्लस 7 किया तो 109, 107 प्लस 2 किया तो भी 109, ओके 7 2 14, कुछ नहीं किया, सो सिंपल, ठीक है। दो ट्रिक थी, 100 से कम हो, नियर बाय 100 और 100 से कम हो, नियर बाय 100 और 100 से ज्यादा हो। अब तीसरी जो ट्रिक है उसमें थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें दोनों नंबर अब तक हमने पढ़े या तो दोनों नंबर कम थे या दोनों नंबर ज्यादा थे। प्रॉब्लम कहां आती है कि जहां पर एक नंबर 100 से कम हो और एक नंबर 100 से ज्यादा। देखें हमने एक डिजिट लिया 102 मल्टीप्लाई बाय 96, एक नंबर 100 से कम है, एक नंबर 100 से ज्यादा है। देखो कितना ज्यादा है कितना कम है, ये ज्यादा है भैया 2 नंबर ज्यादा है, और ये कितना कम है, ये -4 मतलब 4 नंबर कम है, ठीक है। क्या करते आए थे हम, इसके बाद हमने क्या किया, देखो अब यहां पर एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का, अब हमें कोई से भी नंबर को ले सकते हैं, 96 में 2 ऐड करेंगे तब भी 98 आएगा, 102 में से 4 लेस करेंगे जब भी 98 आएगा, ठीक है। वही इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, अब देखिए यहां पर 4 2 8 जो नंबर है ये प्लस का है वो माइनस का है, ये ज्यादा था वो कम था, इसलिए क्या करेंगे हमने 2 00 लगा दिया, और 4 2 क्या आया 8, तो उस 8 को हमने क्या किया, माइनस किया, माइनस करने पर क्या आया 2 0 8 9 9 8 0 2, क्लियर। तो ये था हमारा 102 मल्टीप्लाई बाय 96। अब कुछ बच्चे यहां पर कुछ गलतियां कर देते हैं, बताओ कैसे ही किया है? नहीं, यहां पर हमें माइनस करना है, माइनस इन दोनों जीरो को थोड़ी करना है ना, माइनस पूरे नंबर में से माइनस करना, पूरे नंबर में से माइनस करेंगे तो देखो जीरो में से 8 नहीं जाएगा, तो हम क्या लेंगे, हमने ली कैरी ली 10 बनाया, 10 में से 8 गया 2, ये कितना बच गया, ये हमारे पास बच गया 9, कितने बच गए 9, तो यहां से क्या बना दो 9, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बच गया 7, 7 को क्या बना दो 5, हमारा क्या आ जाएगा 9 7 9 2। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। देखो ये कोई नंबर लिया 95 एंड मल्टीप्लाई बाय 105, ओके देखो यहां पर हमने ये कितने कम है, ये 5 नंबर कम है, ये 5 नंबर क्या है ज्यादा है, ठीक है। वही सबसे पहले क्रॉस देखें, 105 में से 5 लेस किया कितने बचे 100, ठीक है। यहां पर क्या आया मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आया 5 5 25, तो हमने 2 0 एक्स्ट्रा और लगाई, और 2 0 लगाकर उसमें से हमने क्या लेस किया 25 लेस किया, तो वही हमें कैरी लेनी है 5, 10 में से 5 किया क्या बचा 5, 9 में से 2 गए 7, ये 9 ये 9, आंसर क्या आ गया 9 9 7 5। तो थोड़ी सी मिस्टेक होने का चांस यहां पर रहता है, लेकिन इसको बस आपने अगर 2-3 बार की प्रैक्टिस की तो श्योरली आप इसको मिनटों में करना सीख जाओगे, मिनटों में नहीं सेकंडों में करना सीख जाओगे, क्लियर। तो ये हमने जब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टाइप का, नंबर लिया 96 मल्टीप्लाई बाय 107, सबसे पहले कितने कम 4,
ये कितने ज्यादा सेवन है, माइनस किया 103, इसको प्लस करेंगे तब भी नंबर वही आएगा, ठीक है ना। 103 ऑफ 74 जा 28, लेकिन दोनों डिजिट अलग अलग है, 100 से अप है 100 से लो है, इसलिए क्या लगा दो, दो जीरो, 74 जा 28, 20 को क्या करो माइनस करो, 28 को माइनस किया तो क्या आया, देखिए 10 में से 8 गए तो 2 बच गए, 9 में से 2 गए तो 7, यहां पर 3 से क्या बच गया 2, 0 का 0 और 1 का 1, 1027, 10272। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर, एनी कोई डाउट। चलते हैं अगले मेथड की ओर। अब तक हमने मल्टीप्लाई देखे थे, ठीक है, अब मैं आपको एक प्लस का छोटा सा एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, देखिए क्या है इसमें, 9 प्लस 99, वैसे तो हर किसी को जोड़ना आता है, 99 में 9 ऐड कर लेंगे, लेकिन ट्रिक के साथ कैसे करना, अभी इसको हम और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहां पर ये देखो कितने डिजिट है, 1 एंड 2, यहां पर जितने डिजिट हो ना उससे एक कम काउंट करना है, उससे एक कम काउंट करना है, और जब हम उससे एक कम काउंट करेंगे तो यहां पर 2 की जगह हमने कितने डिजिट लिखेंगे, 1, अगर सब 3 होती तो 3 डिजिट होती। देखिए यहां पर अब जो ये 9 नंबर जो है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है, यहां पर ये 9 नंबर जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 9 नंबर की जगह पे हमें सबसे पहले लिखना क्या है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे एक कम बार हमें लिखना है। जैसे अगर ये 9 नंबर अगर 10 बार आता तो हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम यहां पर 9 लिखते, अगर ये 9 नंबर अगर ये 15 बार आता तो हम क्या लिखते हैं, 14 लिखते, अगर ये 9 नंबर 4 बार आता तो हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते। यहां पर ये 9 नंबर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मैंने क्या लिखा, 1, क्लियर। अच्छा अब सुनो, 1 लिख दिया, राइट, अब इसके बाद हमें एक 0 लगानी है, और 0 लगा करके कुछ नहीं करना, सो सिंपल, देखिए फर्स्ट नंबर तो दे रखा है, राइट, फर्स्ट नंबर तो दे रखा है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, यहां पे कितनी बार 9 आ रहा था, 1 और 2, ये 1 बार और ये 2 बार, कितनी बार आ रहा था, 2 बार, तो इसको हमें 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, 9 2 18, ये हमें 18 पूरा नहीं लिखना, केवल पहली संख्या लिखनी है 8। कुछ समझ में आया, लेकिन सर समझ में ढंग से नहीं आया, अभी थोड़ा सा बड़ा करेंगे वो समझ में आया, देख 9 प्लस 99 प्लस 999, यहां आपके समझ में आएगा 101%। देखिए सबसे पहले देखो 9 की रिपीटेशन कितनी बार, 3 बार, जितनी बार रिपीटेशन हो रही है उससे कम बार हमें 1 लिखना है, 1 1, 2 बार लिखा, क्यों लिखा 2 बार, क्यों, क्योंकि 9 की रिपीटेशन 3 बार हो रही तो उससे एक कम बार लिखा हमने, तो हमने एक कम बार मतलब 2 बार 1 1 लिख दिया। 0 हमें हमेशा लगानी है, 0 लिख दी, अब 1 2 3, 3 टाइम 9, इट मीन्स फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, इसका फर्स्ट जो नंबर आ रहा है वो क्या है, 7, तो इसको यहां पर लिखना है। समझ में आया नहीं आया, थोड़ा सा और दे, ठीक है, देखिए 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 999,
101% माइंड में फिट होगा अब की बार। सो सिंपल तरीके से आप बोलोगे कि यस मजा आ गया। देखिए कितनी बार इसका रिपीटेशन हुआ है, 9 का अंक 4 बार आया, 1 2 3 4, कुछ नहीं करना, 4 बार आया है तो हमें 1 2 3 बार हमें 1 लिखना है। सिंपल, एक 0 परमानेंट लगानी है, क्लियर। अब उसके बाद 1 2 3 4 बार, 9 था लास्ट में, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 36, हमें जो पहली डिजिट है 36 में से उसको लिखना है, और पहली डिजिट क्या है 6, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 11106। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी बिल्कुल पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।